Exodor! Exodin! Exodor! Well, mom, उठ बैठ नहीं होती मुझसे और इस दा मेरी अर्जी पे कीजिए गौर इस दा नहीं नहीं यो सब जो है मुफ्तखोरी करने से पहले सोचना चाहिए टू लेट हाँ मैडम मैंने भी भैया से सेम टू सेम यही कहा था भैया कि इतनी भी रोज रोज की मुफ्तखोरी अच्छी बात नहीं है भैया ए कंजी आंखों के मैं लप्पड़ मारूंगी बकवास करेगा तो नारायण टाकीज में विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली टिकट चेकर को खूब धमका के फ्री में पिक्चर कौन देखता है इंटरबेल में खूब समोसे और जो है पॉपकॉर्न कैंटीन वाले को धमका के कौन खावे ये हमारे सामने एकदम बन रहा इनोसेंट मॉम हम आपसे वादा करते हैं जी आप नहीं देंगे आपको शिकायत का कोई मौका इस दा हसीने अगर बॉल है तो मैं हूँ चौका इस दा ऐसा है चौके ये जो थारे चेहरे पे है ना झुर्रियां बस इसका लिहाज कर रही हूँ इस बार माफ कर रही हूँ नेक्स्ट टाइम जो अगर मुफ्तखोरी करी है तो आरी से काम लूंगी फिर नहीं बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगी बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगी एक्सक्यूज मी मैडम मैं मुर्गा हूँ तो बांग दे वरना तंदूर में जाके बैठ जा काम तो आएगा हमारे अरे नहीं नहीं मैडम मैं वो वाला मुर्गा नहीं हूँ मेरा नाम है मुर्गा मखीजा जो कि एकदम है खीजा वो भी अपनी सास और बीवी से जो कि दिन रात चिपकी रहती है टीवी से बैंड बज गया एक्सक्यूज मी ब्रो तुम इस बात की FIR लिखवाने आए हो कि तुम्हारी बीवी और सास टीवी देखते रहते हैं नहीं 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 मैं इस बात की FIR लिखाने आया हूँ कि मुझसे मेरी बीवी और सास दिन भर खाना बनवाते रहते सुबह के नाश्ते से रात के डिनर तक एक नंबर का विनर था मैं शादी से पहले जो कि अब एक नंबर का लूजर बन गया हूँ बैंड बज गया तो खाना तो भैया भी बनाते हैं अपने घर में कभी कभी है ना भैया या दिस वन नहीं नहीं मैं तो रोज बनाता हूँ और ऊपर से बीवी और सास के ताने सुनो सोलह के बैंड बज गया अरे एक मिनट यार लेकिन वो थारी बीवी या सास ना उनको ना है कुकिंग वगैरह का शौक महिलाओं को तो हो गए रुचि दे लाइक द किचन अरे मैडम यही तो सवाल है कि मेरी जिंदगी में क्यों ये बवाल है बैंड बज गया बोले तो काम क्या कर रहा है तू आर यू जॉबलेस अरे नहीं नहीं मैडम मेरी एक फैक्ट्री है जो कि नौकरों के भरोसे चल रही है क्योंकि मैं तो दिन भर खाना बनाता रहता हूँ बैंड बज गया मतलब तू फैक्ट्री ओनर हो रहा है मींस के यू आर ए मालदार असामी तो एक बढ़िया अपना ढूंढो ना कुक वगैरह कोई महाराज या खानसामा वगैरह अरे एक साल में मैडम एक साल में 12 खानसामे भगा दिए उन लोगों ने देखिए मैडम मैं यहाँ पे बहुत सारी उम्मीद की इलायची और यकीन की दालचीनी लेकर आया हूँ कि आप मेरी जरूर सहायता करेंगी वरना तो फिर मेरा बैंड बज गया प्लीज मॉम हेल्प हर बिल्लू एस्कॉर्ट दिस इडियट आउट ऑफ द चौकी चल रुक जा यार बहुत जल्दी रहती है तुम्हें सॉरी सॉरी मॉम सॉरी नहीं सॉरी वरी कुछ नहीं डू व्हाट यू आर गुड एट मतलब जी चपड़ासी गिरी समझ गया सास और बीबी को अभी लेके आता हूँ स्पेशलिटी क्या है तुम्हारी फिलेमिनो इटालियन क्या फ्रस्ट्रेटेड होना है स्पेशलिटी है मेरी दिन भर रोता रहता हूँ बस मैं खाने की पूछ रही हूँ यार फ्रस्ट्रेटेड तू हो हमें क्या व्हाट इज इट टू अस खाने में बता ग्रीन टी गरम पानी का ग्रीन टी इस पे उड़ा लियो जरा सी ग्रीन टी जरा लेके चल इसको दे जरा ग्रीन टी डिग्री ओ बिल्लू हेलो हाँ डॉक्टर साहब पाए लागू नहीं नहीं डॉक्टर लागू नहीं पाए लागू मैं बिल्लू बोल रहा हूँ हाँ डॉक्टर साहब मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा आप मेरे लिए भगवान हैं आपकी दवाइयाँ इतनी कारगर हैं कि मैं क्या बताऊँ नहीं बिल्कुल सही चल रहा हूँ कई दिनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटर ट्रीटमेंट हाँ आपका सबसे बेटर बेस्ट आप मैं तो कहता हूँ आप डॉक्टर ही नहीं है आप जादूगर हैं सॉरी सॉरी आप डॉक्टर ही हैं
सॉरी डॉक्टर साहब. हाँ नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू. क्या डॉक्टर है. डॉक्टर सुन, मेरी बात सुन बे. हाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर काय की इज्जत, कोई दवाई काम नहीं कर रही है. जब नहीं आता है इलाज करना तो क्यों किसी का इलाज करते हो, क्यों? शाम को आ रहा हूँ मैं, मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए फीस के. मैं हेलो 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 फॉलो हर. वेल मॉम फिर से. ले आऊं जी इनको. हाँ भाई, माता और पुत्री तुम हो रही हो मुर्गे की मुर्गी और यो मुर्गी की अम्मा. मैडम मैं मुर्गी नहीं, सुहागन हूँ. सिंदूर सेंटिमेंटल है. और यो मेंटल. नहीं मैडम, मैंने बताया ना आपको, मैं हूँ सुहागन, सुहागन माखीजा. नमस्ते मैडम, मैं हो रही हूँ उसकी अम्मा, बिंदिया बुंदेलखंडी, लहरा दूंगी झंडी. हस्बैंड आउट ऑफ सर्विस है. ऐसा है आउट ऑफ सर्विस? तुम्हारा ये दामाद आया था यहाँ चौकी में FIR लिखाने, कंप्लेंट लिखाने तुम्हारी. कि सारा दिन जो है तुम कतई उसे तपाए दे रही हो दोनों, उसको किचन में झोंके दे रही हो, खाना बनवाए दे रही हो उससे, क्यों ऐसा? अरे नहीं मैडम, ये सब झूठ है. हम उनसे खाना ही नहीं बल्कि छाछ लस्सी दूध चाय ये भी बनवाते हैं, है ना मम्मी? मैडम ये तो सरासर उस बेचारे के ऊपर जुल्म की बारिश है, अत्याचार की आंधी है. एक मिनट चुप रहना भैया. दरअसल मैडम मैं क्या बता दूं आपको, मेरे जमाई राजा है ना, वो इतना टेस्टी इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि हमें किसी और का खाना पसंद ही नहीं आता. हस्बैंड आउट ऑफ सर्विस है. ना तो इसका क्या मतलब है कि वो बेचारा आदमी अपने दिन भर के काम जो है, अपनी ड्यूटी जॉब छोड़ के तुम्हारे टेस्ट बड सेटिस्फाई करने में लगा रहे. और इतने क्या तुम्हारे जो है ना हाई मेंटेनेंस चल रही जबान की, कि कतई 12 कुक बदल डाले तुमने एक साल में, फिर भी जो है संतुष्ट ना हो रही माँ बेटी. नहीं नहीं मैडम, वो सारे कुक तो अपनी मर्जी से गए हैं, हमने थोड़ी ना निकाला है. और मेरे पति घर छोड़ के जा नहीं सकते, तो खाना हम उनसे ही बनवाते हैं, है ना मम्मी? वाह क्या बात है. चलो कोई नहीं, इब से जो है ना प्लान में हो रहा थोड़ा चेंज. आदमी को अपने दो बक्स, उसको अपना काम करने दो. तुम्हारे लिए एक बढ़िया एजेंसी है हमारी नजर में, जिसमें से एक कुक आएगा जो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा. बात साफ? नहीं मैडम, लेकिन नहीं मैडम लेकिन फिर मैं जेल की रोटी खिलवाऊ मैं तो निकला फिर चल. इतनी भूखी चल रही है यार ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक क्या मैडम आपने. एक कुक आ जाएगा उनके घर में तो उस बेचारे की परेशानी थोड़ी हल हो जाएगी. एक्सक्यूज मी मॉम, जो उनके घर कुक जाएगा वो कौन है? हू इज शी? द वन एंड ओनली भोंडा गोपीनाथ गंडोत्रा. वेल बेटा कब तक माइम करूं, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना मंगा. ओके मम्मी. कितनी देर हो गई खाना बनाने में, जल्दी लेके आ. सिंदूर सेंटिमेंटल.
ला रहा जी, ला रहा हूँ। सुबह 5 बजे से काम कर रहा हूँ जी, अकेला। 4 बार चाय बना चुका हूँ, 6 बार जूस बना चुका हूँ, 7-8 बार खाना बना चुका हूँ जी। अच्छा, नौकरों की इतनी सवाल लड़ा रहा है तू मेरी बिटिया से? हाँ, कुक है कायदे से जमान उसमें रहे। इससे अच्छा तो मेरा दामाद बनाता है ना दामाद, सुबह से शाम तक लगा रहता है मजा तो मेरी बिटिया के सामने छू कर जाए। हाँ, हस्बैंड आउट ऑफ सर्विस है। मम्मी जी, मम्मी जी, आप प्लीज गुस्सा मत होइए, ये बड़ा अच्छा खाना बनाता है। बैंड बज गया। चुप करो, ये तो खाना खा के पता चलेगा, समझे? आप अपने हाथ से ले लो मम्मी। कितना बकवास खाना बना है, जाके नया खाना बनाओ। सुनो, आलू का पराठा, भिंडी की सब्जी, रायता और बने पुलाव तो हमें भी बुलाओ। क्या मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा? और अरे, सुना नहीं तूने जो जो मेरी बिटिया ने कहा है वो फौरन बना के ला जल्दी जल्दी। और हाँ, अगर हो सके तो पहले मेरे लिए प्याज की पकौड़ियाँ बना के भेज दे, मेरी फेवरेट। हस्बैंड आउट ऑफ सर्विस है। फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा। मम्मी, 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 मम्मी। ना बेटा, ना पानी पी ले। भैया, मैडम देखिए भैया की क्या हालत हो गई है, इनके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा सुखड़ा हुआ है, क्या हुआ भैया? क्या हो गया, क्यों ऐसी हालत पतली हो रखी? वेल मॉम, सही कह रहा था, ये हस्बैंड इज द, इसकी बीवी और सास ने मेरा बजा दिया बैंड इज द। देखा मैडम, मैं सच कह रहा था ना, पूछिए इनसे क्या हालत की है उन दोनों ने इनकी, बैंड बज गया। बता, खुल के बता गोपी, क्या हुआ है? वेल मॉम, उन्होंने जी मुझसे गधों की तरह काम करवाया जी, मैं जो भी खाना बनाता था जी। मैं जो भी खाना बनाता था जी उसमें नुक्स निकाल देते थे जी, और मुझे बहुत जलील करते थे जी। रात को 2 बजे उठ के जी मेरे से ना, रात को उठा के जी मुझसे खीर बनवाते थे जी। मॉम, वहां पे ना जी कोई कुक नहीं टिक सकता जी, मैं कह रहा हूं जी। वहां कोई कुक टिक नहीं सकता। ऐसे 2 कुक हैं हमारी नजर में जो वहां कतई टिकेंगे भी, और उन माँ बेटी के होश ठिकाने लगाएंगे भी। एक्सक्यूज मी मॉम, वो दोनों हैं कौन इज द, जल्दी बताइए, मत रहिए मौन इज द। लेट्स हियर इट फॉर बन्ने मियां एंड रुखसाना हुस्नवाली। मम्मी, क्या बोलती हो, ये लोग टिक पाएंगे यहाँ? अरे बिटिया, हमने आज तक किसी को टिकने दिया है जो ये टुकेंगे? हस्बैंड आउट ऑफ सर्विस है। पर मम्मी, ये लोग है कहाँ, कितनी देर हो गई, भूख लग रही है मुझे। बोलो। अरे कहाँ मर गए, 2 कोड़ी के बावर्ची, जल्दी आओ। अरे आ रहे हैं। चुप करो तुम। गल गई दाल परोसो तो सही। आदम, पता लाते
खाना तो कब से तैयार है, वो देता है बंदा लेता है। चलो मम्मी खाना खा के तो देखे आखिर बनाया कैसा है। सिंदूर सेंटिमेंटल है। अरे इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना, रुखसाना के हाथ का खाना एक बार कोई जब खा जाए तो उंगलियां चाटता ही रहता है दिन भर। वो देता है बंदा लेता है। नहीं फरमाया रुखसाना। अमा रुखसाना और बन्ने मियां का खाना एक बार कोई खा लेता है ना तो क्या बताए, वो एरिया में वो मोहल्ले में अपनी उंगलियां बस चूसते रहता है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो खाना चखने के बाद ही पता चलेगा। एक मिनट खाना तो खाना है ही, तो तब पता ही, सबको पता है कि खाना तो परोसा है तो खाना तो है ही, लेकिन खाना खाने से पहले एक जो रुखसाना का स्टाइल है वो तो स्टाइल करना पड़ेगा। और वो स्टाइल ये है कि पानी हटाओ सबसे पहले, पानी हटा दो। निकालो पानी निकाल लो। अरे पर पानी क्यों हटाए हैं? मैं अब पानी हटाने के लिए कारण है ना उसका एक। ऐसे तो खेल के लिए तो बोल नहीं रहे। पानी हटाने का कारण ये है कि रुखसाना के हाथ का खाना, अगर खाना खाना है तो खाना खा लो या तो पानी पी लो। कंफ्यूजन है ना, और अगर पानी पी लिया खाना खाते हुए तो बेचती है ना रुखसाना की, फिर बेचती है, वो देता है बंदा लेता है। हाँ सही कहा रुखसाना, एक बार आप लोग खाना खाना तो शुरू करिए, एक बार शुरू तो करिए, पानी वानी सब भूल जाएंगे। बनने में आने उसमें ऐसे ऐसे मसाले डाले कि आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे, आंसू। ओए तेरे कहने का क्या मतलब है, हैं? खुशी के निकलेंगे ना आंसू, खुशी के निकलेंगे। अब खाओ, आप वेट मत करो, खा डालो बस। हाँ ये तो सही। ऐसा लगा आंटी? बकवास, एकदम बकवास, निकलो यहाँ से। एक शर्त पे निकल जाएंगे, निकलने को कुछ भी नहीं है, हमें निकलने को निकल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त देखो ये हमारी कि इसी आदमी से कभी खाना मत बनवाना और इससे कोई काम मत करवाना, इसको परेशान नहीं करना वरना दोबारा आ जाएंगे और रस्सी से बांध के ये खाना खिलाएंगे तुम्हें, वो देता है बंदा लेता है। कमला भाई को फोन करके बुलाऊंगी, अर्जेंट आ जा, और आई प्रॉमिस तुझे कभी तंग नहीं करूंगी मैं, हस्बैंड आउट ऑफ सर्विस है। ठीक है आंटी जी, कमला भाई आ जाएगी आपके यहाँ कल काम करने के लिए, लेकिन अगर आपने फिर से इसे तंग किया तो हम फिर से आ जाएंगे और ये खाना आपको फिर से खिलाएंगे, क्यों? जाओ जल्दी पानी पी लो, वो देखता है बंदा लेता है। भागो भागो। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। पानी पिलाओ जाओ। हाँ, सच बात है, वो देता है बंदा लेता है। क्या ही का देता है मिशाला, हमें तो आज तक कुछ नहीं दिया उन्होंने। एक्सक्यूज मी, आपको क्या चाहिए? सीपस्टर